Hello students, I welcome you all in our today's history class. Students, in our previous class we have discussed about the story of discovery of the Harappan civilization. हमने previous class में हमारे इस हरप्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये पूरी डिस्कवरी हुई, कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन से इंफॉर्मेशन थे और कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अर्लीस्ट टाइम पे शुरू के समय से ही इस पूरे सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में और सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प किया. एंड इन अवर टूडेज क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट. इस पूरे पास्ट को एक कड़ी में जोड़ने में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. बहुत सारे जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में या पास्ट के बारे में मिलती है वो डिफरेंट सोर्सेस से मिलती है और इन सोर्सेस को जो भी सोर्सेस है उनकी डेटिंग करके और डेटिंग सिस्टम के थ्रू उनका डेट निकाल के कब वो बना था और किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सी एक्टिविटी के लिए वो यूज़ किया जाता था और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिनको तैयार किया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने और एक कड़ी में, एक पूरे सीरीज में, एक पूरे ऑर्डर में उसको लगा के हमें सर्व किया. क्या प्रॉब्लम्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को हुई इन सारी चीज़ों को एक कड़ी में लगाने में, ये आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अगर समझना चाहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो मेन सोर्सेस मिले हैं वो हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. किसी भी तरह का कोई भी लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेचर का हमें लिखित कोई भी साक्ष्य, रिटन एविडेंसेस नहीं मिले हैं. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फाइंड्स. जैसे कौन कौन सी चीज़ें हमें उस टाइम पर मिली थी, वी गॉट पॉटरीज, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड मैनी अदर थिंग्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको मिली हैं जिनके स्टडी करके हम लोगों को पूरे सिविलाइजेशन के बारे में एक हम आइडिया लगाते हैं. किसी भी तरह का कोई भी हमारे पास रिटन मटेरियल नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह जाती हैं, है ना. जब कुछ भी चीज़ें हैं, अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से भरोसा किया जा सकता है ना. अगर वहाँ पर उस टाइम पर कोई भी चीज़ लिखी हुई होती कि हम हमारे डेली लाइफ में ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो वो हमारे हिसाब से वो एक 100% प्रूफ होता, एक बहुत पक्का साक्ष्य होता इस बात का कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती थी. अगर हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल जो भी ये सोर्सेस मिल रहे हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उनसे आइडिया लगाना चाहें तो हम एग्जैक्टली किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते. थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा या फिर थोड़ा सा हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाएंगे और सही इन्फॉर्मेशन नहीं पा सकते. ये एक प्रॉब्लम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को फेस करनी पड़ी कि इस पूरी स्टडी करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं और पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने. उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी यूज़ की जाती थी जो कि ख़त्म हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, ठीक है. अब ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ तो की जाती थी पर इतने लॉन्ग पीरियड तक वो ख़त्म हो गई या फिर वो हम कह सकते कि मिट्टी में मिल गई और उसके कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते. इस तरह से बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हमको हो ही नहीं पाती है. जिन चीज़ों की जानकारी मिल पाती है वो ऐसी चीज़ों से मिल पाती है जो थोड़े से सॉलिड है, जो इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स जैसी चीज़ें, ठीक है. इसलिए हमारी आधी जो जानकारी है वो सिर्फ इन्हीं पे बेस्ड है और जो कि एग्जैक्टली सही है भी या नहीं भी है उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी फाइंड्स पाया, जो भी चीज़ें उनको मिली, उन चीज़ों को एक अपने तरीके से उन्होंने एक आइडिया लगाया कि कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ की जाती रही होगी. मतलब कि जो भी एविडेंसेस इनको मिले हैं उसको इन्होंने कई तरीके से समझने की कोशिश की. जैसे सबसे पहला तरीका जो इनका था वो था इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है. अगर उस मटेरियल के बारे में हमें पता चल जाता है तो हम एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे कि ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता रहा होगा.
या फिर कोई अगर हम ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में को किस मटेरियल से बनाया गया ये जान लेना भी हम कहेंगे कि एक तरीके से हम उस सिविलाइजेशन के बारे में जान पा रहे हैं, है ना। पर पूरी तरीके से हम सब कुछ नहीं जान पाते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। जैसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे स्टोन से, क्ले से, बोन से, हाथी दांत, इवोरी और भी बहुत सारी दूसरे मटेरियल से बनी हुई चीजें हैं। तो कौन सी चीज किस मटेरियल से बनी हुई है ये पता करना आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहला शुरू किया और उसी पे बेस्ड सारा इंफॉर्मेशन इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करके हमको दिया। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कोई भी चीज किस काम में आती है ये एक तरह की इंफॉर्मेशन हमें किस चीज से मिल रही है, इन्हीं साक्ष्यों से जो हमें ऑर्नामेंट्स, हाउसहोल्ड्स जैसी ऑब्जेक्ट्स जैसी चीजें जो मिल रही हैं उनसे हमें और क्या मालूम चलता है, उनसे हमें मालूम चलता है कि कौन सी चीज वो किस काम में लाया करते थे। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको टूल्स की तरह यूज किया जाता था, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑर्नामेंट्स की तरह हम यूज करते थे, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि टूल्स और ऑर्नामेंट्स दोनों के रूप में यूज की जाती थी, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनके रिचुअल में यूज की जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या हमें पता चलता है अगर हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे ही हमें इंफॉर्मेशन सारी मैसो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हो रही है, तो क्या क्या मालूम चलता है। हमें मालूम चलता है इन सोर्सेस के बेसिस पे कि कौन कौन से मटेरियल्स उस टाइम पर यूज किए जाते थे और किन किन कामों के लिए यूज किए जाते थे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी हमें इन एविडेंसेस से, इन फिजिकल ऑब्जेक्ट से मालूम चलता है। इसके बाद और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और ट्रिक लगाया उस टाइम की चीजों को समझने के बारे में के लिए। कैसे एक ट्रिक लगाए, उन्होंने प्रेजेंट डे थिंग्स के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश की। बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं हमें उस टाइम की जिनकी स्टडी करना या उनके बारे में आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है और डिफिकल्ट है समझ पाना कि ये क्या है, लेकिन वो चीजें प्रेजेंट डे की, प्रेजेंट टाइम की कुछ चीजों से सिमिलर होने की वजह से हमारी आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया कि ये वो चीज रही होगी। जैसे बीड्स, उस टाइम पर के बीड्स को अगर हम देखें और अगर प्रेजेंट टाइम में बीड्स का कोई कॉन्सेप्ट ना होता, बीड्स ना होती, तो हम तो समझ ही नहीं सकते थे कि ये चीजें क्या है और किस काम में आती रही होंगी। लगा सकते थे? बिल्कुल नहीं लगा सकते थे। लेकिन कैसे हमें पता चलता है कि ये चीजें बीड्स थी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी हम वैसे ही बीड्स यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट ने ही हमारे पास्ट को समझने में यहाँ पर हेल्प की है। ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का एक तरीका है इन एविडेंसेस के बेसिस पे पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। क्वर्न्स, जैसे चक्री, चक्री जो होती है घरों पे हम लोग यूज करते हैं, और एक तकली होती है जैसे कॉटन से धागे बनाए जाते हैं, उस तरह की चीजें, स्टोन के बने हुए ब्लेड्स और पॉट्स, क्योंकि उस टाइम की ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम के से मिलती जुलती है, इसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को उन चीजों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि किस तरह के मटेरियल्स वो यूज कर रहे हैं और किस फंक्शन में उन चीजों को लाया जा रहा है, और प्रेजेंट डे थिंग्स के साथ सिमिलैरिटीज देखते हुए हम उन चीजों को थोड़ा सा समझ पाते हैं इस। ठीक है, इसके बाद और किस तरीके से हेल्प मिलती है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को चीजों को समझने में, वो है प्लेस ऑफ फाउंड। ये सारी चीजें किन प्लेसेस पे मिली हैं, इनसे भी हमें उन चीजों के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी चीज हमें हाउस के अंदर मिली है तो हम समझ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे कि वो चीज किस काम में आती रही होगी, फिर हम उसको हाउस होल्ड वर्क के साथ ही जोड़ के देखेंगे और कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा हमें समझ पाना, या हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि वो चीज क्या है, है ना। और हमारे प्रेजेंट टाइम में भी अगर ऐसी कोई सिमिलर चीज मिलती है तो भी हम उससे एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस ऑफ फाउंड, जैसे हाउसेस में मिल रहा है, ड्रेन में मिल रहा है, ग्रेव्स में मिल रहा है, या फिर किल्न, भट्ठा वगैरह में मिल रहा है। ठीक है, तो किस प्लेस पे कौन सी चीज मिल रही है, उस चीज के अकॉर्डिंग भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पूरा का पूरा जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो क्योंकि साक्ष्य हैं, फिजिकल चीजें हैं,
बहुत हम उस पर एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते, वो बोल तो रही नहीं है, उस पर कुछ लिखा भी नहीं है कि हम उन पर पूरी तरीके से भरोसा कर लें। ऐसी चीज़ों को देख के हम केवल आइडिया लगा सकते हैं उस सिविलाइजेशन के बारे में। और ये काम आसान हुआ सिर्फ और सिर्फ जिस मटेरियल से वो बना हुआ था उसकी स्टडी करके, जिस काम में वो चीज़ें आती थी उनके बेसिस पे एक उस पूरे सिस्टम को समझने में। सिमिलर चीज़ें जो आज के प्रेजेंट टाइम के साथ कुछ सिमिलर चीज़ें थी उनके साथ रिलेट करके हम उस सिविलाइजेशन को समझ पाए, और साथ में किस प्लेस पे वो चीज़ें हमको मिल रही हैं इनके आधार पे हमें ये सारे हम पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझ पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको हम एक तरीके से केवल और केवल आइडिया लगा के ही करते हैं। जैसे हम अगर कहें तो कुछ हड़प्पन साइट्स में कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन कहीं पर भी, क्योंकि कॉटन क्या है, कपड़ा है, अगर उस टाइम पर बनाया भी जाता रहा होगा तो इतने लॉन्ग पीरियड तक वो स्टोर होके सेव होके तो नहीं रखा पाएगा। ये फिजिकल चीज़ें थी, ये तो बची रह गई, टूटी फूटी अवस्था में ही मिली हैं, पर फिर भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, लेकिन कॉटन का क्या, कॉटन तो नहीं रहेगा, पर कॉटन के कुछ ट्रेसेस मिले, पर कॉटन के क्लॉथ्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लेकिन उस टाइम के जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां हैं, वहां पर उन मूर्तियों ने कपड़े पहने हुए हैं, है ना, जिससे सिर्फ हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कॉटन भी मिल रहा है और हमारे स्कल्पचर्स में मूर्तियां कपड़े भी पहन रही हैं, इसका मतलब है कि कॉटन के कपड़े भी बनाए जाते रहे होंगे। ठीक है, पर पूरी सियोरिटी के साथ ये बातें नहीं कही जा सकती। तो ये भी इस तरीके से हम समझेंगे कि इस पूरी कड़ी को तैयार करने में, इस पूरे सिविलाइजेशन को समझने हमारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को होती हैं, हुई। ठीक है, अब जैसे अगर हम कहते हैं कि उनके डेली लाइफ से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि पॉट्स को खाना बनाने के लिए यूज़ करते थे, पकाने के लिए, या सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, है ना। किसी भी चीज़ को वो किस काम के, किस पर्पज़ से रखते थे, ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ें भी थी उस टाइम पर जिनके बेसिस पे हम उनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट टाइम से सिमिलर है, तो हमने कहा कि ये उनके डेली लाइफ में काम आती थी, ये वो इस तरीके से काम करते थे, इन चीज़ों को वो फार्मिंग में यूज़ करते थे, इन चीज़ों को वो अदर प्रोडक्शन में यूज़ करते थे। पर कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ें भी मिली हैं हमको उस टाइम की, जिनसे हम उनके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के बारे में, उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में समझ सकते हैं। तो अगर हम कहें कि रिलीजियस लाइफ के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस कल्चर के बारे में हमें मालूम क्या चलता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर जो भी जानकारी हमको मिलती है वो ऑलमोस्ट हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। अगर हम कहेंगे उस चीज़ के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अनयूजुअल चीज़ें मिली हैं और हर अनयूजुअल चीज़ उनके रिलीजन से ही बेस्ड रही होगी। ठीक है, तो अगर रिलीजियस लाइफ की बात करें तो वहाँ पर हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारा थोड़ा सा और ज़्यादा है। ठीक है, अदर थिंग्स से, अदर जो भी उनके डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब से ज़्यादा अगर हमें जानकारी है तो उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में। ठीक है, जैसे किन किन चीज़ों से हमें उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है, तो एक टेराकोटा से बनी हुई, टेराकोटा पढ़ा था हम लोगों ने, एक मटेरियल होता है टेराकोटा से बनी हुई, एक फिगर जो विमेन की फिगर है। ठीक है, महिला, एक विमेन की फिगर है, मूर्ति बनी हुई है जो कि हैवीली ज्वेल्ड है, बहुत ज़्यादा गहने, बहुत ज़्यादा सोना चांदी आभूषण पहना हुआ है, मतलब सोना चांदी नहीं पहना हुआ, वो अगर टेराकोटा की बनी है तो इस पे शेप्स बने हुए हैं कि वो हैवी ज्वेल्ड है, और साथ साथ विथ हेड ड्रेस, हेड पर भी उसने बहुत कुछ पहना हुआ है, जैसे मुकुट वगैरह, क्राउन समाज के हमारे देवी देवता पहनते हैं, हम लोग मूर्तियों पर देखते हैं, पिक्चर्स में, इमेजेस में देखते हैं, वैसा ही। तो जिससे इनके आइडिया लगाया जाता है कि वो किस चीज़ की मूर्ति है, वो टेराकोटा की बनी हुई मदर गॉडेस की मूर्ति है, मदर गॉडेस का फिगर है। ठीक है,
तो हम क्या, अब यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं रह जाता है ना, क्योंकि अगर ऐसा कोई स्कल्पचर मिल रहा है, ऐसी कोई मूर्ति मिल रही है हमको, तो और कुछ तो नहीं हो सकती वो, हो सकती है क्योंकि दूसरी चीजें तो हम समझ सकते थे कि वो किस काम में आती हैं, या इस काम में आती हैं कि दूसरे काम में आती हैं, या दोनों काम में आती हैं, पर इस तरह की अगर कोई फिगर मिल रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा क्लोज जा सकते हैं इंफॉर्मेशन के, और वो है कि वो हो सकता है कि मदर गॉडेस या किस मातृ देवी कहा जाता है हिंदी में उनको, या फिर कोई देवी की मूर्ति है, ठीक है, यानी उस टाइम पर एक देवी की पूजा की जाती थी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक मेल आइडल भी मिला है जिसको प्रीस्ट किंग के रूप में देखा जाता है, या फिर कहा जाता है कि वो मदर गॉडेस की तरह ही उनकी भी पूजा की जाती थी, जो कि क्रॉस्ड लेग्ड हैं, पालथी मारकर बैठे हुए हैं, उनके दोनों हैंड्स उनके नीज पर हैं, योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और कहा जाता है, माना जाता है कि वो किस चीज की इमेज हो सकती है, किसी ऑर्डिनरी सिटीजन की तो नहीं हो सकती है, क्योंकि सिटीजन्स तो इस तरह की एक्टिविटीज में पूरे टाइम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम ड्रॉ भी वही करेंगे ना जो मैक्सिमम टाइम जिस तरह के जेस्चर्स क्रिएट करते हैं, जिस तरह के पॉस्चर्स क्रिएट करते होंगे पूरे दिन में, हम उसी को ज्यादातर ड्रॉ करेंगे। पर इस तरीके से योगी की मुद्रा में बैठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो किसी गॉड की इमेज है, ठीक है, और उस उनको एक तरीके से देवता की तरह देखा जाता है। तो यहाँ पर हम और ज्यादा क्लोज जानकारी है हमें उनके रिलीजन के बारे में। इसके अलावा इन्हीं को पशुपति भी कहा जाता है, वो जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ एक किसी एक पुरुष का स्टैच्यू है, वो उसे क्या नाम दिया गया, पशुपति का नाम दिया गया, क्योंकि पशुपति इसलिए कहा गया क्योंकि वो इमेज जो है वो सील्स पर भी बनाई गई है, और सील्स में जहाँ पर वो योगी बैठे हुए हैं उनके चारों तरफ कई सारे एनिमल्स हैं, वन हॉर्न का एक सींग वाला एक जानवर गैंडा जैसा है, बैल है उनके आसपास में, इस तरह से कई सारे एनिमल्स हैं, और माना जाता है कि वो एनिमल्स के राजा हैं, ठीक है। और इसके अलावा उस टाइम पर जो ग्रेट बात है जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि एक बहुत बड़ा लार्ज ग्रेट बात बना हुआ है, बहुत पक्का सिस्टम से बना हुआ है, सीढ़ियाँ है उसमें एक साथ बहुत सारे लोग नहा सकते थे, बाथ ले सकते थे, और उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है कि वाटर को भरने का, पानी भरने का सिस्टम बहुत अच्छा है, गंदे पानी को निकालने का सिस्टम बहुत अच्छा है, और इस तरह की चीज़ों को माना जाता है कि ये किसी न किसी रिलीजियस बिलीफ के लिए वहाँ, या फिर किसी तरह के रिलीजियस को फंक्शन करने के लिए, रिचुअल को करने के लिए वहाँ पर ग्रेट बाथ बनाया गया है। तो ग्रेट बाथ को भी अगर हम देखें तो ये एक तरीके से इनका रिलीजन से रिलेटेड कुछ है। फायर अल्टर्स जो हमारे हवन कुंड होते हैं वो भी वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे मिले हैं, और उनको देख के ही समझ में आता है कि वो यज्ञ हवन जैसी चीजें करने के लिए किए जाते थे, और ये सब कुछ कहाँ मिला है, कालीबंगन और लोथल में मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एविडेंसेस जिनसे हमें मेसोपोटामियन रिलीजन के बारे में पता चलता है, उनके रिचुअल के बारे में पता चलता है, वो थोड़ा सा ज्यादा क्लोज इंफॉर्मेशन हमको देते हैं उनके रिलीजन के बारे में, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर नहीं दिखाई देता, बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल लगती है कि वो 100% हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने गैस किया है, वो गैस नहीं बल्कि एक फैक्ट है उस टाइम के बारे में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सील्स भी मिले हैं जहां पर प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स को भी ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और हमने बताया था कि सील जैसी चीजें जो कि किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता था, मैसेजेस कन्वे करने के लिए किया जाता था, वहां पर तो हम जो हमारे लिए स्पेशल इमेजेस होंगे हम उन्हीं को ड्रॉ करेंगे, और अगर वहाँ पर प्लांट्स, ट्रीज जैसी फिगर्स बनाए जा रहे हैं, एनिमल्स बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि उनका उनके रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड वो इमेजेस रहे होंगे, यानी वो नेचर की वर्शिप भी किया करते थे। इसका मतलब अगर वो प्लांट्स, ट्रीज जैसी चीज़ों को ऐसी खास चीज़ों में, सील जैसी चीज़ों पर ड्रॉ कर रहे हैं, एनिमल्स की भी पूजा की जाती थी, ठीक है। उस टाइम पर बहुत सारे कॉनिकल स्टोन्स भी मिले हैं, जैसे हमारा शिवलिंग होता है, कुछ इस टाइप के सील्स भी मिले हैं, ठीक है, जिनको शिवलिंग की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि जैसे प्रेजेंट टाइम में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, उस टाइम पर भी इस तरीके के लिंगास की पूजा की जाती थी, ठीक है।
तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारे एविडेंसेस जो कि हमें उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में बताती है, और काफ़ी क्लोज इन्फॉर्मेशन हमको उस टाइम के बारे में भी देती है। यहाँ पर अगर हम लोग पशुपति की बात करते हैं, तो कई सारे आर्कोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो पशुपति हैं, जो पालकी मार के योगी की मुद्रा पे बैठे, अपने नीज के ऊपर अपना हाथ रख के इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उनके चारों तरफ एनिमल्स भी हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट उनको शिव की संज्ञा देते हैं, मानते हैं कि प्रेजेंट टाइम के जो गॉड शिव है, जो हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा जो भी उनके इम्पोर्टेंट देवी देवता हैं, उनमें से एक गॉड शिव है, उन्हीं की इमेज है, ऐसा माना जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि वो उस टाइम पर भी गॉड शिव की ही पूजा की जाती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, तो हम पाएंगे, जो हमारे आगे के चैप्टर्स में भी हम पढ़ेंगे, कि ऋग्वेद में जो देवी देवताओं का वर्णन कहाँ जहाँ पर भी किया गया है, तो ऋग्वेद में बताया गया है कि एक रुद्र नाम के देवता है जिनका नाम शिव है, और हमारे पुराणों में भी शिव नाम से रुद्र देव की का जिक्र किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन कहीं पर भी उनकी जो इमेज है वो पशुओं से घिरी हुई नहीं बनाई गई है। योगी की मुद्रा में तो है, या वो योगी की मुद्रा में कैलाश पर्वत पर या जंगल में इस तरीके से तो बैठे हुए दिखाई देते हैं, पर उस इमेज की तरह कि जानवरों से घिरे हुए, एनिमल्स से घिरे हुए, योगी की मुद्रा में नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो बहुत से लोगों का मानना है कि वो जो पशुपति, जिनको बहुत से लोग कहते हैं कि वो गॉड शिव ही हैं, जिनको उस टाइम पर भी पूजा की जाती थी, ये वो गॉड शिव नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पुराणों में गॉड शिव के बहुत सारे नाम बताए गए हैं, शिव बताया गया है, शंकर बताया गया है, मार्कंडेय बताया गया है, और भी बहुत सारे नाम बताए गए, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी पशुपति नाम या फिर इस तरीके से कोई भी नाम जहाँ पर एनिमल्स के किसी भी वर्ड का यूज किया जाए, वो नहीं किया गया। तो ये पशुपति या ऐसा कुछ हमारे आर्कोलॉजिस्ट नहीं मानते कि वो शिव जी की ही इमेज हो, लेकिन बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो किसी मजीशियन का की इमेज रही होगी, जो जंगलों में रहता है, योगी की मुद्रा में मेडिटेशन करते हुए बैठे हुए हैं, और उनके उसी मैजिक की वजह से या उनके उस एनर्जी की वजह से जो वो क्रिएट कर रहे हैं, एनिमल्स उनके आसपास हैं, ठीक है। तो वो एक मैजिशियन के रूप में उनको बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी हम लोग समझते हैं, वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पर समझते हैं, जहाँ पर पूरे कल्चर के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ आइडिया लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिलीजन की बात कर ली जाती है, तो जो भी एविडेंसेस मिले हैं वो हमें काफ़ी क्लोज ले जाते हैं उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में, या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, जो भी सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट की है, उनसे हम लोगों ने हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में समझा, हम लोगों ने समझा कि कैसे उस टाइम पर सोशल डिफरेंसेस होते थे, से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कैसे फंक्शन करती थी, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक बहुत लार्ज ड्रेनेज सिस्टम है, कैसे वहाँ का एक टाउन प्लानिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, और बहुत सारी दूसरी क्राफ्ट प्रोडक्शन है, ट्रेडिंग रिलेशन है उनके, बहुत कुछ हम लोगों ने समझा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता है। जैसे हमें नहीं पता है कि कौन सी लैंग्वेज वो यूज़ करते थे। किसी भी कल्चर के बारे में अगर हम कहते हैं, किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो और इसके अलावा ग्रेट बाथ वो एक रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता था, या कोई एक पब्लिक प्लेस था। लिटरेसी लेवल कैसा था, वाइड स्प्रेड था, या फिर बहुत कम लोग थे जो लिटरेट थे उस टाइम पर। सीमेंट्रीज के बारे में, ब्यूरियल्स के बारे में अगर हम देखें, तो वहाँ पर हमें डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। कुछ ब्यूरियल्स दूसरे तरीके से वहाँ पर किए गए हैं, कुछ ब्यूरियल्स को अलग तरीके से किया गया है। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं, ये बहुत सारी क्वेश्चन हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं। जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन है। क्या फार्मिंग में भी विमेन का पार्टिसिपेशन होता था, या विमेन केवल पॉटरी मेकिंग करती थी, बाहर जाके काम करना भी क्या विमेन उस टाइम पर करती थी,
पॉट्स को पेंट करने का काम कौन करता था, मेल्स करते थे या फीमेल्स करते थे, अगर हंटिंग हो रही है तो वो कौन करता था, टेराकोटा की बनी हुई जो फीमेल फिगर है क्या वो सच में मातृ देवी की ही इमेज है, और जेंडर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। ये कुछ ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो अभी भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, हमारे हिस्टोरियंस को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता है, पर फिर भी बहुत सारे एविडेंसेस के बेसिस पे हम काफ़ी क्लोज हैं, हम बहुत कुछ जान चुके हैं सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे हिस्टोरियंस अभी भी लगातार वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, बहुत सारी खोजें अभी भी जारी हैं, और लगातार कुछ ना कुछ नए इंफॉर्मेशंस हमारे इस पूरे सिविलाइजेशन के बारे में हर दिन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें पूरे सिविलाइजेशन को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आई होप सब कुछ, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स सबको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो के साथ एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन मेरे साइड से जाएगा, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस शीट भी हम मेरे साइड से जाएगा, जिसको सॉल्व करके ड्यू डेट तक मैं उसको सबमिट कर दे रहा है। कोशिश करना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें बहुत, जितना ज़्यादा पॉइंट्स हम लिख सके, जितने ज़्यादा डिटेल्स में हम जाकर लिख सके, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, और आंसर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से लिख के सेंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो अभी क्लोज करते हैं, और नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।